मूली ले लो, उसको धो लो, सुखा लो अच्छे से और लंबाई में काट लो। अच्छा, तो इसे भिगो के रखना है या डायरेक्ट धो के काटना है? भिगो के रखना है ताकि वो मट्टी मट्टी निकल जाए। अच्छा, फिर काट उसके बाद लंबाई में काट लेना है। अच्छा, लगभग 1 किलो लिया है मैंने, काफी हो जाएगा ना? हाँ, बहुत हो जाएगा। ठीक है, तो लंबाई में काटने के बाद क्या करना है? उसके बाद मसाले में क्या क्या लेना है? मसाले में पंचफोरन लेना है। अच्छा, पंचफोरन में राई, जीरा, कलौंजी, मेथी और सौंफ। अच्छा, लेके अच्छी तरह से भून लेना है। भून के उसे कूट लेना है। कितना मिनट भूनना है? बस 5 मिनट तक उसको भून के अच्छी तरह से, चाहे मिक्सर में पीसो चाहे कूट लो। का तेल लेंगे और राई के तेल में स्वादिष्ट बनता है। उसके बाद मिर्ची डालेंगे, लहसुन डालेंगे, हल्दी पाउडर और फिर बाकी का ये इसको क्या करना है? फिर बाद में पंचफोरन जो हम लोगों ने कूटा वो डालेंगे। अच्छा। उसके बाद मिर्ची पाउडर। ठीक है, फिर उसे अच्छी तरह से मिला लो। अच्छा, फिर मिला लिया है। फिर उसके बाद जो हम लोग जो मूली काट के रखे ना वो डाल के थोड़ा भून लेंगे, लेकिन गैस बंद कर देना। ठीक है, अब मैंने गैस जो है आखिरी में अमचूर पाउडर और नमक डाल देंगे। ये हो गया हमारा मूली का अचार तैयार। इसे तुम पराठा के साथ खाओ या रोटी के साथ, बहुत अच्छा लगेगा। फिर इसे धूप बनने के बाद उसको धूप में 2-3 दिन इसे धूप अच्छी तरह से दिखा देना। अच्छा अच्छा, ठीक है, फिर मैं आपको भी भिजवाती हूँ। ठीक है, चलो रखती हूँ। हाँ बेटा, बाय बाय।